करिए स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह नेगी आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के नगर पालिका कर्णप्रयाग के अधीनस्थ पाटली गांव और यहां पर पार्क, ये पीपल का पेड़ आप देखिए क्या जबरदस्त। कई सालों साल से यहां पर जो आगंतुक लोग होते हैं, आने जाने वाले राहगीर होते हैं, उनके लिए छाया प्रदान कर रहा है। पार्क भी अच्छा बना हुआ है, यहाँ पे बच्चों को झूलने के लिए, बैठने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अब असल मुद्दा आता है, ये चेतावनी बोर्ड आप देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा है। यह पार्क बच्चों के खेलने एवं बड़े बुजुर्गों के उठने बैठने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का गैर कानूनी कार्य करते हुए अगर कोई पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और साथ में 500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। और ये है सौजन्य से महिला मंगल दल पार्टी। बिल्कुल मैं धन्यवाद करता हूँ महिला मंगल दल का कि जो है यहाँ पर ये बोर्ड लगाया। लेकिन अब जो आम जनमानस है, जो इस समाज के कुछ कुबीज हैं, मैं ऐसे लोगों को कुबीज ही कहता हूँ, अनसोशियल एलिमेंट, असामाजिक तत्व जो हैं, वो इससे कोई उन पर फर्क नहीं पड़ता है। जब तक ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, इनकी पहचान नहीं की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई एक्शन नहीं लिया जाएगा ना, तब तक ये लोग इस बात को समझने वाले नहीं है। ये जरूर कहा गया है कि यहाँ पर कोई गलत काम ना करे, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है, पार्क यहाँ पे बना है, इसके नीचे जो जगह है, जमीन है। अब यहाँ पर देखिए आप रियलिटी क्या है। अब कैमरामैन दिखाइए जरा, ये देखिए, अब आप देखिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर आपको ये डब्बा दिख रहा होगा, प्लास्टिक की पनिया आपको देखिए, किस तरीके के कुरकुरे, नमकीन, बिस्कुट के पैकेट हैं, और इससे ज़्यादा कांच की तमाम बोतलें यहाँ पर फेंकी गई है। अब मैं आपको खुद दिखाता हूँ, आप इधर देखिए, ये कूड़ा कचरा देखिए यहाँ पे, ये किसने फेंका भाई? क्या ये गैरकानूनी काम नहीं है? क्योंकि प्रकृति को नष्ट करना, प्रकृति के दुश्मन बनना, इससे ज़्यादा बड़ा गैरकानूनी काम क्या हो सकता है? ये इसके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी चीज़ों के खिलाफ। उधर आप देखिए शराब की बोतलें गिरी हुई है, और इधर देखिए आप ये तंबाकू के पैकेट गिरे हुए हैं, कांच की बोतलें फोड़ी गई है। थोड़ा सा अभी दिखाता हूँ मैं आपको क्लोजली, यहाँ देखिए आप, ये कांच की बोतलें किसने फेंकी ये कांच की बोतलें यहाँ पे? क्या ये गैर कानूनी काम नहीं हो रहा है? हाँ, तो ये क्या गैर कानूनी काम नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि अगर जो है पार्क की स्वच्छता बनाए रखना है और इस क्षेत्र को साफ सुथरा रखना है, तो इसमें तो जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद की भी बनती है ना, क्योंकि ये क्षेत्र तो नगर पालिका के अंतर्गत ही आता है। तो जो नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं, जो सदस्य गण हैं इस क्षेत्र के, यहाँ पे इस वार्ड के, क्या उन लोगों को इसका संज्ञान लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? क्योंकि बात ये केवल यहीं की नहीं है, पूरे गांव में मैंने देखा जगह जगह गंदगी का आलम है। पहले वादे किए जाते हैं नगर पालिका जब चुनाव होता है, अभी चुनाव होने वाला है, फिर आएंगे घरों में और बोलेंगे हम सफाई व्यवस्था करेंगे, हम ये व्यवस्था करेंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत, धरातलीय सच्चाई आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी की हुई है। और पार्क में भी अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ज़रा मुझे फॉलो कीजिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर क्या। अब थोड़ा इधर देखिए आप लोग, ये है पार्क का मुख्य गेट, यहाँ से पार्क में आया जाता है। इधर देखिए ये किसने किया, इसको देखिए आप, क्या ये पार्क में है? अभी बोर्ड में यहाँ पर लिखा हुआ था कि जो है यहाँ पर किसी तरीके का गैर कानूनी काम नहीं करना है, लेकिन मुझे लगता है कि शराब पीना, उसके बाद कांच की बोतल वहीं पे फेंक देना, यहाँ पे तमाम छोटे बच्चे खेलने के लिए आते हैं शाम के समय, तो ये मतलब कैसा कानूनी काम है और कैसा अच्छा काम है, ये भी आप देख सकते हैं। और भी जगह यहाँ पर बहुत गंदगी फैली हुई है, आपको मैंने अभी बताया वीडियो में, प्रेजेंटेशन में, कि किस तरीके से गंदगी फैली हुई है। ये पार्क बना हुआ है दोस्तों, और यहाँ पर जो है ये बाउंड्री बनी हुई है, ये तोड़ दी किसी ने। अब ये किसने तोड़ा? क्या अपने घर का सामान तोड़ सकता है कोई? जो शराबी होता है, उस शराबी को क्या वो अपने घर का सामान तोड़ेगा? मतलब ये भी अपने आप में एक सवाल है कि शराब पी के वो घर जाता है तो क्या अपना घर उजड़ता है? और इस तरीके से तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे भी किस तरीके से आदमी ने ये किया हुआ है, तो ये भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। इतनी लंबी चौड़ी सड़क है, उसके बावजूद भी अगर ये हरकतें की जा रही है, तो ये साफ सीधी सी बात है कि कोई चेतना नहीं है, कोई समझ नहीं है, और सरकारी संपत्ति जो सार्वजनिक पार्क बना है, तोड़ो उसको, कोई पूछने वाला नहीं है, ये हो रखा है स्थिति। अभी और दिखाऊंगा, थोड़ा ऊपर से इधर दिखाना दोस्तों।
इधर देखिए आप, यहाँ पर दो कमरे हैं, ये खुद हमारे ही हैं अपने पर्सनल चाचा जी के। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, गंदगी का आलम देखिए, ये क्या है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इधर देखिए आप, ये प्लास्टिक की बोतल्स यहाँ पे फेंकी गई है। और आगे चलते हैं, और आगे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को इसकी धरातल क्या है, सच्चाई कौन है इसका जिम्मेदार। इधर देखिए आप, यहाँ कांच की बोतलों को देखिए आप, ये कौन सा कानूनी काम हो रहा है, इस कानूनी काम को देखिए। इधर इस कानूनी काम को देखिए, ये देखिए ये कौन सा सही काम हो रहा है, क्या ये गैर कानूनी नहीं है, क्या ये गलत नहीं है। इधर देखिए, इधर देखिए, अगल बगल देखिए, ये पूरी जगह हमारे चाचा लोगों का ही है। यहाँ पर सवाल ये नहीं है हमारा तुम्हारा, लेकिन गंदगी को देखिए, गंदगी का आलम देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये क्या किया गया है। इधर देखिए, कांच की बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें, कूड़ा कचरा इस पूरे क्षेत्र में उधर तक। अब ये किसी न किसी के अधिकार क्षेत्र में तो आता ही होगा ना, तो अब कब तक वो इंसान इस चीज़ को सोचेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब, यहाँ पर ये गंदगी जो की जा रही है, जो भी लोग यहाँ पर बैठते हैं पार्क में, तो गैरकानूनी बोर्ड तो लगा हुआ है कि नहीं होना चाहिए, पर क्या किसी से जुर्माना लिया गया आज तक, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। अब जुर्माना कैसे लिया जाएगा, जब कोई पकड़ में आएगा, कोई पकड़ में कैसे आएगा, जब कहीं ना कहीं। अब यहाँ तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए या तो कैमरे लगने चाहिए, ठीक है, और अगर एक बोर्ड यहाँ पर लगाया जाना चाहिए, और भी गंदगी के लिए भी, केवल पार्क के लिए नहीं, पार्क के आसपास नीचे ये क्षेत्र, क्योंकि पार्क में बैठा बीड़ी सिगरेट पी नीचे फेंक दिया, पार्क में बैठे शराब का सेवन किया नीचे फेंक दिया, ये जगह यहाँ से लोगों को खेतों में जाने का रास्ता है दोस्तों। यहाँ पर जो है कोई महिला जाती है, किसी के पाँव पे लग सकता है कांच, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत बड़ी जो है गलती है, बहुत गैर जिम्मेदारी वाली हरकतें हैं। ये कांच का टुकड़ा देखिए, अब इस पर क्या कहेंगे आप, ये तो यहाँ से मेन लोगों के खेत हैं, लोग आते जाते हैं, ये लकड़ियाँ लोगों ने यहाँ पे रखी हुई है, लेकिन किसी कुकर्मी इंसान ने, अब मैं ऐसे शब्दों का वैसे बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन किसी कमीने इंसान ने ये क्या हरकत की हुई है। अब ये किसने किया है भाई, ये जानबूझ के किया गया है ये, अब देखो क्या है, क्यों की गई है, ये किसने फेंका ये कांच यहाँ पे। तो दोस्तों ये है धरातल की सच्चाई। वैसे नगर पालिका परिषद को भी मेरे हिसाब से शर्म से चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए, क्योंकि उनकी जो हरकतें हैं और जो एक मुद्दा है ज़मीनी हकीकत, आप पूरे क्षेत्र में जाओ, जगह जगह गंदगी के ढेर, जगह जगह कूड़ा कचरा, कड़प्याक जाओ, सिमली जाओ, जो क्षेत्र इसमें आता है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं, कोई कांच खुले में फेंक रहा है, कोई पन्नी खुले में फेंक रहा है, ये लोग तो सबसे बड़े दुश्मन हैं, प्रकृति के दुश्मन। जैसे कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर जो है वनों में आग लगाई जा रही थी, वो मुद्दा तो अभी थोड़ा सा जो है इंद्रदेव की कृपा से बारिश आई, थोड़ा अभी कम हो गई आग, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी प्रकृति के दुश्मन है। किसी का पर्सनल यहाँ पर जगह जो है, किसी का जिसका ये है यहाँ पर, हम लोगों का अपना ही, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये कहीं भी होता है, मैं ये मुद्दे पहले भी उठाते आया हूँ ऐसे। तो ये ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, और इसके प्रति भी एक अभियान चलना चाहिए, कंपेनिंग चलनी चाहिए, कि कोई व्यक्ति, क्योंकि ये एक पार्क है, ये सार्वजनिक प्लेस है, पर लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ पर कई लोग ऐसी हरकतें करते हैं, तो इसके पीछे थोड़ा एक छानबीन होनी चाहिए, और एक उचित कार्रवाई, अगर कोई पकड़ा जाता है एक व्यक्ति पर, अगर इस तरीके का एक तगड़ा दंड अगर लिया जाएगा, तो दूसरे आदमी के लिए भी वो एक एग्जाम्पल सेट होगा, ये जरूर करना चाहिए। जब तक ऐसे लोगों को दंड नहीं दिया जाएगा, चाहे उसको पैसे के हिसाब से हो, चाहे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, तो वो तब तक नहीं मानने वाले। ये है स्थिति आज के समय में। बस ये वीडियो को आप पहुंचाइए, जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए, और मैं तो कोशिश करूंगा कि पूरे गांव के लोग भी इस वीडियो को देखें कि क्या सच्चाई है यहाँ पर। ये पार्क में बोर्ड लगा गया है, बहुत बहुत धन्यवाद नगर वो महिला मंगल दल का इसके लिए, लेकिन उसके आसपास क्या वो चीज़ हो रही है नहीं हो रही है, इस पर ज़रूर संज्ञान लिया जाना चाहिए। मेरी अगर संज्ञान में कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करते हुए दिखता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे अपना खुद का यहाँ पे मकान है, और वो खुद के यहाँ पर जो है खेती है, तो उस तरीके के लोगों के खिलाफ मैं सख्त कार्रवाई करने मैं पीछे नहीं हटूंगा, बस ये कहना है मुझे। तो ये देखो, जबकि सरकार के द्वारा ये बताया गया है कि इस तरीके की ये चीज़ें हैं, ये मतलब प्रकृति के दुश्मन होते हैं, लेकिन तभी भी इनको यहाँ फेंका गया है। ये देखिए, अब कौन है इसका जिम्मेदार। अगर आपको कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी करना है, अब पता नहीं इसमें क्या किया गया होगा। इसके साथ साथ आप देखिए, ये इस पैकेट को देखिए, इनको देखिए, ये यहाँ पे रखा गया है,
इधर दिखाइए, ये देखो कोई इतना बड़ा महानुभाव है, उसने यहाँ पे कांच ही फोड़ दिया है, ये देखिए। और इधर देखिए, यहाँ देखिए ये कांच के टुकड़े। इधर दिखाइए भाई, ये सिगरेट की डब्बियाँ दिखाइए यहाँ पे है। इधर आप ये देखो प्लास्टिक की बॉटल्स को देखिए, ये देखिए ये पता नहीं क्या क्या यहाँ पर कौन सा क्या क्या है, ये देखो किसी महानुभाव ने। ये देखो अब इस तरीके की भी शराब आ रही है दोस्तों, ये देखो ये पता नहीं कौन क्या कर रहा है, ये इस चीज़ को देखिए आप। इधर दिखाइए भाई जरा, ये कौन है, ये किस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर जो है प्लास्टिक पन्नी ये चीज़ें इस्तेमाल की हुई है। और इधर पूरे क्षेत्र में, उधर भी देखिए, इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, संभल के आना आपकी जरा कैमरामैन। इधर देखिए आप, ये यहाँ पर जो है दारू बियर की बोतल्स फेंकी गई है। ये पूरा क्षेत्र ये हमारा ही है यहाँ पर, मैं कुछ हमारा है कुछ चाचा लोगों का है, ये मुद्दा नहीं है कि हमारा है तुम्हारा है। मुद्दा एक जागरूकता का है कि जो विवेक होता है हम लोगों का, वो विवेक कहाँ चला गया है।